हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन वैसलीन्स डीप रिस्टोर एंड वैसलीन्स एसपीएफ वाला बॉडी लोशन। सो चलिए देख लेते हैं कि कैसी क्वांटिटी और कैसी क्वालिटी है इन दोनों बॉडी लोशंस की, और आपको इन दोनों में से किस बॉडी लोशन के साथ जाना चाहिए इन विंटर्स में अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज द वैसलीन डीप रिस्टोर बॉडी लोशन। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रीमी वाइट मिल्की टेक्सचर है इसका, बहुत ज़्यादा वाइट टेक्सचर है। कलर इसका बहुत ही बेहतरीन वाइटिश शेड में है। टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर है इसका। बिकॉज दिस इज एनरिच्ड विद वैसलीन जेली एंड ग्लिसरीन, सो ये मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छे से देता है स्किन को, बहुत ज़्यादा डीपली पेनीट्रेट हो जाता है। डीप मॉइस्चराइजेशन ही क्लेम करता है, उसके साथ साथ ही क्लेम करता है कि ये मॉइस्चर को भी बहुत अच्छे से स्किन में लॉक करके रखेगा, जो कि ये डेफिनेटली करता है। आप देख सकते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी लग रही है कंपैरिजन में दूसरे हैंड के, जिस पे मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ है और वहाँ की स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई लग रही है। सो आप देख सकते हैं कि इसकी बॉटल जो है वो 400 ml वाली बॉटल है। प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी हमें रिसीव हो रही है। 285 इसकी प्रोडक्ट MRP है, और ऑनलाइन या फिर डीमार्ट्स में तो इसके ऊपर सेल चलती ही रहती है, तो आप वहाँ से भी इसे अच्छे से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं कि इस पर डीप रिस्टोर लिखा हुआ है। ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं। विंटर्स में ड्राई स्किन जो है कुछ ज़्यादा ही ड्राई आउट हो जाती है, स्किन का जो ऑयल सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही स्किन ड्राई लगने लगती है। उस केसेस में ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजेशन देता है, हाइड्रेशन देता है। इसमें जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स है वैसलीन जेली के, वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं। इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से वहाँ पर मेंशन है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये आपकी स्किन को केयर करेगा। इसकी प्राइस भी बहुत कम होती है गाइस, तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये बॉडी लोशन, बिल्कुल नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है इसका, आपकी स्किन को ग्रीजी नहीं बनाता। ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली और चिपचिपा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्लोथ्स को भी बहुत इरिटेशन देने लगते हैं वैसे मॉइस्चराइजर्स, बट ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनीट्रेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हुआ है, और आपको एक बहुत सॉफ्ट सपल स्किन मिलेगी और बहुत स्मूथ टेक्स्चर हो जाएगा आपके स्किन का। तो ये देखा था हमने डीप रिस्टोर के बारे में वैसलीन वेरिएंट। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये है नेक्स्ट वेरिएंट मेरे पास जिसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं डीप रिस्टोर के साथ। दिस इज वैसलीन्स हेल्दी ब्राइट सन प्लस पोल्यूशन प्रोटेक्शन SPF 30 फॉर्मूला। दिस इज अ सन प्रोटेक्शन लोशन। ये क्लेम करता है कि इसमें SPF 30 है, उसके साथ साथ इसमें है PA++, और ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा UVA और UVB रेज से। आप देख सकते हैं पिंक कलर की इसकी पैकेजिंग है, बहुत अच्छे से पैकेजिंग है, सिमिलर टू दिस वैसलीन डीप रिस्टोर। पैकेजिंग में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस कलर इन्होंने चेंज कर दिया है। सिमिलर पंप पैकेजिंग है, सो आप देख सकते हैं पंप पैकेजिंग थोड़ी हाइजीनिक हो जाती है, सो वो एक प्लस पॉइंट है इन दोनों के बारे में। आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्चर, इसका जो कलर है वो सिमिलर है बिल्कुल वैसलीन जैसा, बट इसका टेक्स्चर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, और इसे अप्लाई करने के बाद ये कुछ ज़्यादा टाइम लेता है मॉइस्चराइजेशन, इतना ज़्यादा नहीं दे पाता आपकी स्किन को, ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट होने में। आप देख सकते हैं कि I'm just rubbing my skin to penetrate this deeply into my skin। थोड़ा सा स्लाइट सा वाइट कास्ट देता है ये, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों वेरिएंट्स हैं वैसलीन के, इन दोनों वेरिएंट्स में से डिफरेंशिएशन बस यहाँ पर इतना है कि SPF वाला जो वेरिएंट है वो आपको सन प्रोटेक्शन दे रहा है। बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ इन दोनों के बारे में, तो प्राइस के अकॉर्डिंगली जो SPF वाला है वो तो आता है 360 रुपीज़ का MRP अकॉर्डिंग, बट SPF प्रोटेक्शन जो है इसका वो कुछ काम नहीं करता। सीरियसली, आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्किन टैनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं निकली इसकी वजह से। इवन दो आई एम यूजिंग दिस रेगुलर बेसिस ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम मंथ्स, फिर भी मुझे कुछ भी इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा। सो अगर सिर्फ मॉइस्चराइजेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, मॉइस्चराइजेशन के बेसिस पे अगर आपको कोई अच्छा बॉडी लोशन खरीदना है जो कि क्वालिटी भी अच्छी दे और क्वान्टिटी भी अच्छी खासी दे, तो आप मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए वैसलीन डीप रिस्टोर की तरफ। और अगर आपको इसका SPF आपके लिए करता है, तो आप जा सकते हैं आप SPF वाले वेरिएंट की तरफ भी।
बट मेरे लिए तो वैसलीन डीप रिस्टोर इज द बेस्ट वन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस कंपैरिजन वीडियो. और अगर आप ऐसे ही कोई कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहें तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू डू दैट. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड डू लाइक एंड कमेंट इन माई वीडियो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. स्टे happy, stay blessed. Bye-bye.